डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के लिए सब्जेक्ट केमिस्ट्री को पढ़ना। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पिछले क्लास में न्यूक्लिक अम्ल के बारे में पढ़ रहे थे। अब चलिए आगे उसके हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम लोग ये भी पढ़ा था कि उसके अंतर्गत यानी कि न्यूक्लिक अम्ल में डीएनए और आरएनए यानी कि उसके प्रकार होते हैं, और डीएनए का पूरा नाम डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड आरएनए का पूरा नाम राइबोज न्यूक्लिक एसिड हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में। चलिए भाई आइए हम लोग आगे देखते हैं कि आखिर डीएनए और आरएनए क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम लोग फर्स्ट एरो किए थे और उसमें हम लोग पढ़े थे कि सजीव प्राणियों में जो पाया जाने वाला जितने भी जव अणु है वो सभी कहलाते हैं एक तरीके का न्यूक्लियर अम्ल, और इसके दो प्रकार होते हैं। उसी के नीचे एरो देंगे, कोई नया टॉपिक्स नहीं लेना है, एरो देकर लिखेंगे। एरो देकर जो हम लोग कल पिछले क्लास में एरो दिए हुए थे उसी एरो के नीचे पॉइंट बनाकर लिखना है। एरो देकर लिखेंगे डीएनए और आरएनए को, डीएनए और आरएनए को पॉली न्यूक्लियोटाइड कहा जाता है। याद रखिएगा, जब डीएनए और आरएनए, क्योंकि न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार हैं डीएनए और आरएनए, और डीएनए और आरएनए के मिश्रण को जब दोनों को मिला दिया जाता है तो एक और नया नाम से पुकारा जाता है, उसका नाम क्या है, पॉली न्यूक्लियोटाइड। तो याद रखिएगा, न्यूक्लिक अम्ल के दो प्रकार, इट मीन्स के डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड एंड राइबोज न्यूक्लिक एसिड, और जब दोनों को मिश्रण किया जाता है, दोनों को मिला दिया जाता है, तो उसको एक और नया नाम दे दिया जाता है, पॉली न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो अभी हम लोग सीखे कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या है, तो डीएनए और आरएनए को ही कहते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। चलिए उसके नीचे फिर से एक नेक्स्ट एरो देंगे, लिखा जाए डीएनए में एडीनिन, ऐसे लिखिएगा एडीनिन को ब्रैकेट में ए कॉमा डीएनए में एडीनिन ब्रैकेट में ए कॉमा, फिर लिखेगा गुवेनिन इसको ब्रैकेट में जी लिखेगा गुवेनिन, और फिर लिखेगा साइटोसिन इसको ब्रैकेट में सी तथा थायमीन ब्रैकेट में लिखेगा टी मौजूद होते हैं, या फिर लिख सकते हैं उपस्थित होते हैं। देखिए, आप जब चीजों को कोरिलेट करके पढ़ेंगे ना तो ये इजी वे में आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़े कि न्यूक्लिक अम्ल क्या है, तो उसके बारे में हमको पता चला कि इसके अंतर्गत दो टाइप्स होते हैं, एक का नाम होता है डीएनए और दूसरी का नाम होता है आरएनए। अब डीएनए और आरएनए का मतलब क्या है, तो याद रखिएगा कि डीएनए का जो पहचान है, हालांकि उसके पहले हम लोग पढ़े कि डीएनए और आरएनए का जो मिश्रण है, या फिर दोनों को ही हम बोल सकते हैं पॉलीपेप्टाइड। अगर कोई बोल रहा है कि यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बंधन है, इसका मतलब वहां डीएनए भी उपस्थित है और आरएनए भी उपस्थित है। लेकिन दोस्तों, आज से एक बात याद रखिएगा कि डीएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो यही चार चीज डीएनए में पाया जाता है। एक का नाम है एडेनिन, इसको ए से सूचित करते हैं। इसका नाम है गुवेनिन, मतलब जी से सूचित करते हैं। साइटोसिन मतलब सी से सूचित करते हैं, और थायमिन मतलब टी से सूचित करते हैं। तो याद रखिएगा कि हम लोगों को डीएनए में क्या क्या पाया जाता है।
अच्छा उसी तरीके से हम लोग देखते हैं कि अब आरएनए में क्या क्या पाया जाता है, तो उसके नीचे एरो देकर लिखेंगे। आरएनए में एडिनिन, लिखते चलिए सेम होता है लेकिन थोड़ा सा अंतर हो जाता है। आरएनए में एडिनिन ब्रैकेट में ए कॉमा गुवेनिन ब्रैकेट में जी कॉमा साइटोसिन ब्रैकेट में सी तथा यूरासिल ब्रैकेट में यू। तो याद रखिएगा कि डीएनए और आरएनए में क्या अंतर है, अगर कोई पूछेगा तो डीएनए में याद रखिएगा कि डीएनए में एक अलग थायमिन पाया जाता है लेकिन आरएनए में एक अलग यूरासिल पाया जाता है, बाकी दोनों में तीन तीन जो है कॉमन है। डीएनए में एडेनिन तो आरएनए में भी एडेनिन, डीएनए में गुएनिन आरएनए में गुएनिन और डीएनए में साइटोसिन आरएनए में भी साइटोसिन। लेकिन एक अंतर होता है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है बजाय आरएनए में यूरासिल पाया जाता है, और यूरासिल को हम लोग यू से दिखाते हैं जहां थायमिन को टी से दिखाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा कि डीएनए और आरएनए में बस थोड़ा सा अंतर है, डीएनए में थायमिन पाया जाता है तो आरएनए में यूरासिल पाया जाता है। चलिए उसके बाद नेक्स्ट लिखा जाए टॉपिक अब बनाएंगे। ये तो हम लोग पिछले दिन टॉपिक्स का कर रहे थे, इसमें बनाएंगे डीएनए की संरचना। ये टॉपिक्स बनाएंगे, फर्स्ट एरो देंगे डीएनए की संरचना बनाएंगे फर्स्ट एरो देंगे लिखा जाए वाटसन तथा क्रिक दो महान वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है, एक का वाटसन और दूसरे का क्रिक। याद रखिएगा ये दोनों वैज्ञानिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की संरचना को प्रस्तुत किया, सबके सामने दिया लाया। तो लिखा जाए वाटसन तथा क्रिक ने 1953 ईस्वी में डीएनए की संरचना का मॉडल प्रस्तुत किया। चलिए ये तो लिख लिए कि डीएनए की जो संरचना है उसको किसने दिया, वाटसन तथा क्रिक ने 1953 ईस्वी में। चलिए उसके बाद सेकंड पॉइंट लिखा जाए इसका, इस टॉपिक्स का सेकंड एरो देंगे, लिखा जाए डीएनए में न्यूक्लियोटाइडों की दो लंबी कड़ियां होती है, जो एक दूसरे से सर्पिल रूप से कुंडलित होती है, देखिए यहां पे क्या बताया ना कि डीएनए में का जो संरचना हम लोग बनाएंगे उस संरचना में न्यूक्लियोटाइडों की जो संख्या होती है ना दो लंबी श्रृंखला होती है, और हम इसको समझेंगे, इसका फिगर जब बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं।
ठीक है, यानी अभी याद रख लीजिएगा कि डीएनए का जो संरचना है उसमें कितना न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं, तो दो न्यूक्लियोटाइड भाग लेते हैं और दोनों एक लंबी श्रृंखला बनाती है। तो जब हम इसका पहले हम इसीलिए पहले हम लिखवा दे रहे हैं बोलकर, फिर समझने के लिए हम एक फिगर ड्रॉ करेंगे, वो हमारे लिए इंपोर्टेंट रहेगा। तो अभी आप लिखते चलो, फिर से नेक्स्ट एरो देंगे। लिखा जाए कड़ी के एक टर्न में, कड़ी के एक टर्न 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 एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। कड़ी के एक टर्न में 10 न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ठीक है। फिर उसके नीचे एरो देंगे, लिखा जाए एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ, एडिनिन हमेशा थाइमिन के साथ तथा गुएनिन हमेशा साइटोसिन के साथ जुड़े होते हैं, साइटोसिन के साथ जुड़े होते हैं। चलिए सब बात को समझेंगे, खैर उसके नीचे फिर से नेक्स्ट एरो देंगे, लिखेंगे दोनों भस्म हाइड्रोजन बंधन से जुड़े रहते हैं। चलिए देख लीजिए कि डीएनए के संरचना में हम लोग क्या क्या सीखे, ठीक है। अब बढ़िया से अगर समझ लीजिएगा डीएनए का संरचना, तो आपको पता चल जाएगा कि आखिर हम क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो डीएनए का संरचना कैसे होता है, वो कैसा दिखता है, उसी को हम आज समझा रहे हैं। तो आप चीजों को समझिएगा, ये दोस्त हम लोगों का डीएनए है। अब आपको पता नहीं चल रहा होगा कि सर ये डीएनए है, हाँ भाई ये डीएनए का फिगर है। अब इसमें हम लोग का पढ़े वो समझिए। सबसे पहला पढ़े कि ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड, जैसे अगर मान लिया कि इसको हम लोग ऐसे इसे इसी से बना रहे हैं, तो ये हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का लंबी श्रृंखला। तो याद रखिएगा कि डीएनए में कई गो लंबी श्रृंखला होती है, तो एगो ये वाला और एगो इसके उल्टा वाला, यानी कि दो ठो इसमें लंबी श्रृंखला होती है। अच्छा फिर हम लोग पढ़े कि डीएनए का संरचना में एक टर्न में लगभग 10 गो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो एक टर्न किसको बोलेंगे, तो टर्न हम लोग यहां से लेकर यहां तक के एक टर्न हुआ, यहां से लेकर यहां तक दूसरा टर्न हुआ, ऐसे ही ये टर्न कहलाता है, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या पढ़े कि इस डीएनए की संरचना में एडिनिन जो है हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ता है। जैसे मान लिया कि हर एक टर्न में एडिनिन होंगे, थाइमिन होंगे, साइटोसिन होगा, गुवेनिन होगा, एडिनिन थाइमिन साइटोसिन गुवेनिन, हर टर्न में ऐसा होता है, ठीक है। साइटोसिन गुवेनिन यानी हमेशा याद रखिएगा किसके किसके साथ जुड़ता है, तो ये हमेशा एडिनिन जो है उस थाइमिन के साथ जुड़ता है और साइटोसिन जो है वो हमेशा गुवेनिन के साथ जुड़ता है, और जो बीच में ये हम डॉट डॉट बना रहे हैं यही है हाइड्रोजन बंधन, यानी कि ये दोनों भस्म कहलाते हैं, यानी कि एडिनिन और थाइमिन दोनों क्या है, भस्म है, और ये दोनों के बीच में जो बंधन कहलाता है वो हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। आप सब फिगर में हर एक टर्न में आप देख पा रहे होंगे कि एडिनिन हमेशा किसके साथ जुड़ा हुआ है, एडिनिन माने ए हमेशा टी के साथ जुड़ा है थाइमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा गुवेनिन के साथ जुड़ता है। तो याद रखिएगा कि डीएनए में तो यही चार को चीज ना होता है, एडिनिन होते हैं, साइटोसिन, थाइमिन, गुवेनिन। तो कहने का मतलब है कि
कि ये याद रखिएगा कि जब डीएनए का संरचना बनता है, डीएनए की संरचना, इसका फिगर जरूर बना लीजिएगा ताकि आपको पता चल सके कि डीएनए की संरचना में दो गो पॉलीपेप्टाइड का यूज किया जाता है, ठीक है, पेप्टाइड या न्यूक्लियोटाइड बोल सकते हैं का यूज किया जाता है। दो गो लंबी श्रृंखला होती है और दोनों का जो एक टर्न बनता है, एक गैप बनता है, इस गैप में लगभग 10 गो न्यूक्लियोटाइड होते हैं और इस न्यूक्लियोटाइड में एडिनिन हमेशा थायमिन के साथ जुड़ता है, साइटोसिन हमेशा गुआनिन के साथ जुड़ता है और उसके बीच का जो बंधन होता है वो हाइड्रोजन बंधन कहलाता है। तो दोस्तों डीएनए की संरचना को हम लोगों ने देखा, फिर हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे आरएनए के बारे में कि आरएनए आखिर उसका संरचना कैसा होता है, उसमें क्या क्या पाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, ये फिगर को आप जरूर नोट कर लीजिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।